वेल आई एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग कि हैंनरीज कॉन्स्टेंट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट मैं कहना चाहूँगी हैंनरीज कॉन्स्टेंट वॉट आई लिटली वॉन्ट टू टॉक अबाउट हैनरीज कॉन्सटेंट के एच इज़ नॉट अ यूनिवर्सल इज नॉट वॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट याद रखना इस बात को मात मत खा जाना ठीक है सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर क्लियर है मैंने क्या बोला हैनरीज कॉन्स्टेंट के जो है इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ओके इट डिपेंड्स अपॉन वॉट देन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस द नेचर ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर बहुत ध्यान से सुनना जो भी मैं यहाँ पर बात बोलूँगी हर चीज़ इंटरलिंक्ड है यहाँ पर हेनरीज़ कॉन्सटेंट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर देर फोर द सोलिबिलिटी ऑफ़ द गैस डिक्रीज हेनरीज़ कॉन्सटेंट के एच इंक्रीज विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर देर फोर सोलिबिलिटी ऑफ गैस देर फोर सॉलिबिलिटी ऑफ़ गैस सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज ठीक है सो इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिज द सॉलिबिलिटी एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीज दिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड ठीक है हेनरीज लॉ से हमें क्या पता चला था द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वी गॉट टू नो द पार्शल प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन लिक्विड द पार्शियल प्रेशर of gas on liquid fine that was directly proportional to the mole fraction that was directly proportional to what the mole fraction of the gas that was directly proportional to mole fraction of gas mole fraction of gas in the solution in the solution samajh mein aayi ye wali baat सो पी प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सो के एच इज इक्वल्स टू पी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज द थिंग क्लियर नाउ दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बारे में जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ लेट मी टेल यू वन पर्टिकुलर थिंग वी आर एक्सप्रेसिंग द सोलबिलिटी ऑफ द गैस ये जो मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस लिखा है

कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करूँगी तो जो गैस है वो लिक्विड लिक्विड के अंदर कम सॉल्युबल होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे गैस लिक्विड से बाहर चली जाएगी है ना तभी तो जो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा रहना पसंद है दे आर मोर कम्फर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है डिजोल्ड ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है आजकल आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट और इतना पल्यूशन जो हो रहा है तो हमारा सी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल पानी के अंदर अब कम हो रहा है डिज़ोल्ड ऑक्सीजन बेसिकली सो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा सॉल्युबिलिटी जो गैस की होगी लिक्विड के अंदर वो कम हो जाएगी अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिक्रीजेज़ सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ हो रहा है सो हैंनरीज़ कॉन्स्टेंट इनक्रीज़ कर रहा है सो टेम्परेचर के इनक्रीज़ करने पर हमारा हैंनरीज कॉन्सटेंट भी तो इंक्रीज़ कर रहा है दिस इज़ ओवरऑल इंटरलिंग विद ईच अदर सो द वैल्यू ऑफ़ हेनरीज कॉन्स्टेंट के एच इनक्रीज विद इक्रीज इन टेम्परेचर ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर टू द क्वेश्चन